Hello friends, good morning. I hope all of you are fine. Welcome on Dr. Rupam Lectures. My today's topic is platelet concentrate. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट के बारे में कि प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट क्या होता है और कैसे बनाया जाता है और कितने टाइप का होता है और इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि होल ब्लड कलेक्ट किया जाता है और उससे डिफरेंट ब्लड कंपोनेंट बनाए जाते हैं, उनमें से एक कंपोनेंट है प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट। तो ये प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट होता है, ये कैसे बनाया जाता है डिटेल में आप कंपोनेंट के जो मैंने पहले चार लेक्चर दिए थे, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर, उनको प्लीज़ डिटेल में देखिए तो आपको काफ़ी क्लियर होगा। तो प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट को होल ब्लड से बनाया जाता है, एक होल ब्लड से एक यूनिट प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट बनता है जिसे रैंडम डोनर प्लेटलेट कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट दो टाइप का होता है, आरडीपी एंड एसडीपी। आरडीपी का फुल फॉर्म होता है रैंडम डोनर प्लेटलेट और एसडीपी का फुल फॉर्म होता है सिंगल डोनर प्लेटलेट। बट फ्रेंड्स, इसे आरडीपी एंड एसडीपी क्यों कहा जाता है इसे हम अगली कुछ स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। आरडीपी, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम डोनर प्लेटलेट। तो ये आरडीपी में क्या क्या होता है, आरडीपी में होता है 50 ml ऑफ प्लाज्मा और प्लेटलेट का नंबर होता है 5.5 × 10^10 प्लेटलेट्स होते हैं। फिर से हम डिस्कस करेंगे, फिर से हम सीखेंगे जो रैंडम डोनर प्लेटलेट होता है उसमें प्लेटलेट कितने होते हैं। उसमें मिनिमम 5.5 × 10^10 प्लेटलेट्स होने ही चाहिए। अगर इतने प्लेटलेट हैं तो वो एक अच्छी यूनिट कही जाती है प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट की, क्वालिटी यूनिट बोली जाती है। अगर प्लेटलेट की पॉपुलेशन इससे कम है तो वो एक पुअर क्वालिटी की आरडीपी होती है, रैंडम डोनर प्लेटलेट होता है। तो एक अच्छी प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट यूनिट में 50 ml के लगभग प्लाज्मा होता है और जो प्लेटलेट का नंबर होता है वो होता है 5.5 × 10^10 प्लेटलेट। और जो रैंडम डोनर प्लेटलेट सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है क्योंकि सिंगल डोनर प्लेटलेट को कलेक्ट करने की फैसिलिटी हर ब्लड सेंटर में नहीं होती। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे कि सिंगल डोनर प्लेटलेट क्या होता है। एसडीपी, एसडीपी मीन सिंगल डोनर प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट। अब इसे कैसे कलेक्ट किया जाता है, इसे कैसे सेपरेट किया जाता है, तो इसे सेल सेपरेटर नाम के एक इंस्ट्रूमेंट के से की हेल्प से सेपरेट किया जाता है। ये सेल सेपरेटर होता है, इसमें डोनर को इस सेल सेपरेटर से कनेक्ट किया जाता है। तो एक एंड से इसमें ब्लड आता है, प्लेटलेट सेपरेट हो जाते हैं और दूसरे एंड से वो ब्लड वापस डोनर के शरीर में चला जाता है। तो इस तरह से इस तरह की प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट को कलेक्ट किया जाता है और इस तरह से कलेक्ट की गई प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट की यूनिट को सिंगल डोनर प्लेटलेट कहा जाता है। और इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें प्लेटलेट का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, रैंडम डोनर से लगभग 5 से 6 गुना होता है, तो ये काफ़ी यूजफुल होती है। तो सिंगल डोनर प्लेटलेट जो प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट का टाइप होता है इसमें 30 to 40 × 10^10 प्लेटलेट होते हैं और जो प्लाज्मा का वॉल्यूम होता है लगभग 300 से 400 ml होता है। और जैसा कि मैंने बताया, इस तरह की प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट को सिंगल डोनर प्लेटलेट कहा जाता है और इसे सेल सेपरेटर नाम की मशीन से एफेरेसिस टेक्नोलॉजी से सेपरेट किया जाता है। अब फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे कि ये जो रैंडम डोनर प्लेटलेट है, सिंगल डोनर प्लेटलेट है, इसका यूज़ क्या होता है। जैसा कि हम अक्सर कर सोसाइटी में सुनते हैं कि अरे किसी को डेंगू हो गया था, वायरल इन्फेक्शन हो गया था, मलेरिया हो गया था, उसके प्लेटलेट बहुत कम हो गए थे। अक्सर कर आप सुनते हैं कि डेंगू के पेशेंट में प्लेटलेट बहुत कम हो जाते हैं तो उस समय उसे प्लेटलेट चढ़ाए गए थे। तो वो प्लेटलेट यही होते हैं, इन प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट्स की यूनिट को पेशेंट को ट्रांसफ्यूज किया जाता है जब पेशेंट के शरीर में प्लेटलेट की बहुत कमी हो जाती है, प्लेटलेट का नंबर कम हो जाता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इंडिकेशन ऑफ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, ऐसी कौन कौन सी इंडिकेशन है जब प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। तो ये काफ़ी सारे इंडिकेशन है, जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट का प्रोडक्शन कम हो जाता है तब हमें तब प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है, या ऐसी कोई पैथोलॉजी डेवलप हो जाए जिसमें प्लेटलेट का यूज़ ज़्यादा होने लगे तब प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है, या ऐसी कोई पैथोलॉजी हो कि बॉडी में प्लेटलेट टूटने लगे ज़्यादा क्वांटिटी में तब प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है।
तो ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जब प्लेटलेट के ट्रांसफ्यूजन को इंडिकेट किया जाता है, जैसे कि लेस प्रोडक्शन, एप्लेजिया एंड नियोप्लास्टिक कंडीशन होती है जब प्लेटलेट का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और इन कंडीशन में प्लेटलेट के ट्रांसफ्यूजन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब कुछ ऐसी पैथोलॉजी होती है जैसे कि थ्रम्बोटिक थ्रम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा, इस कंडीशन में भी प्लेटलेट का यूज ज़्यादा होने लगता है, इसलिए यहाँ पर भी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन को इंडिकेट किया जाता है। अब कभी कभी कुछ ऐसी पैथोलॉजी डेवलप हो जाती हैं जैसे कि DIC एंड ITP, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन एंड ITP, इडियोपैथिक थ्रम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, तो इन कंडीशन में प्लेटलेट ज़्यादा टूटने लगता है, तो इन कंडीशन में प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन इंडिकेट किया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन हो जाती हैं जिनमें प्लेटलेट के ट्रांसफ्यूजन को इंडिकेट किया जाता है। हाइपरस्प्लीनिज्म और फंक्शनल डिफेक्ट्स भी होते हैं, इनमें भी प्लेटलेट के ट्रांसफ्यूजन को इंडिकेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सब था प्लेटलेट के बारे में, कितने टाइप के होते हैं, RDP SDP, और प्लेटलेट के इंडिकेशंस के बारे में कि किन किन परिस्थितियों में प्लेटलेट के ट्रांसफ्यूजन को एडवाइस किया जाता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लेटलेट के ट्रांसफ्यूजन को कैसे दिया जाता है, क्या गाइडलाइंस होती हैं, किन गाइडलाइंस के तहत प्लेटलेट के ट्रांसफ्यूजन को एडवाइस किया जाता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, सी यू सून इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।